अगस्त का पहला दिन और महंगाई का झटका। जी हां, आज से सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब महंगा हो गया है। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक आज से ही सिलेंडर की नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1652.50 रुपए हो गई है, जो कि पिछले महीने 1646 रुपए थी। इस तरह इसकी कीमत में 6.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कोलकाता में अब इसकी कीमत 1764.50 रुपए हो गई है। मुंबई में 1605 और चेन्नई में ये आंकड़ा 1817 रुपए तक पहुंच गया है। इससे पहले लगातार 4 महीने इसकी कीमत में कटौती की गई थी। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर्स की कीमत में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए बनी हुई है। आपको बता दें कि 19 किलो वाले सिलेंडर्स को हलवाई इस्तेमाल करते, इसकी कीमत में बढ़ोतरी के बाद बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। इससे पहले लगातार 4 महीने इसकी कीमत में कटौती की गई थी। 1 जुलाई को इसकी कीमत में 30 रुपए की कटौती की गई थी। इसी तरह 1 जून को भी इसकी कीमत में 69.5 रुपए की भारी कटौती की गई थी। उससे पहले 1 मई को भी कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स का रेट 19 रुपए कम किया गया था। 1 अप्रैल को इसमें 30.5 रुपए की कटौती हुई थी। उससे पहले फरवरी और मार्च में एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत बढ़ाई गई थी। इस बीच घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें आखिरी बार बदलाव लोकसभा चुनावों से पहले 9 मार्च को हुआ था। तब केंद्र सरकार ने इसकी कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी। दिल्ली में अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802.5 रुपए और चेन्नई में 818.50 रुपए। इस बीच 1 अगस्त से ही देशभर में फास्टैग के नए नियम लागू हो गए हैं। ऐसे में वाहन चालक के लिए 1 अगस्त से फास्टैग KYC अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत 3 से 5 साल पुराने फास्टैग हैं तो आपको KYC अपडेट कराना होगा। वहीं 5 साल से ज्यादा पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर से पहले तक बदलना होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुधवार को आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था। अगर आप ITR फाइल नहीं कर पाए हैं तो 1 अगस्त 2024 से जुर्माना देना होगा। नियम के मुताबिक 5 लाख से कम आमदनी वाले को 1 अगस्त के बाद 1,000 रुपए पेनल्टी देनी होगी, साथ ही 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।